दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसडी में। दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो के जरिए सूचना देना चाहता हूं कि एम्प्लॉयज़ एंड स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो हिमाचल प्रदेश का है, इसने अपर डिवीज़न क्लर्क की कुछ पोस्टें निकाली हैं। लगभग 32 पोस्टें हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हैं, सभी कैटेगरी के लिए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों यदि आप जुड़े हैं पीएसडी से पहली बार, तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पर हिमाचल से जुड़ी तमाम अपडेट मिलते रहती हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी एस्पायरेंट तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह जानकारी। दोस्तों ये जो नोटिस निकाला गया है, ये निकाला गया है रीजनल ऑफिस पंचदीप भवन हाउसिंग बोर्ड फेज वन साई रोड बद्दी एचवी के द्वारा। इसमें अपर डिवीजन क्लर्क की है एएसआई, जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है हिमाचल प्रदेश रीजन के लिए, उसके लिए ये पोस्टें निकाली हैं। कुल पोस्टें 32 है, इसमें जनरल के लिए 14 हैं, 6 हैं एससी के लिए, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए 7 पोस्टें हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है, कुल मिलाकर 29 है। अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 2 है, दिव्यांग के लिए 1 सीट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर बात करें कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन यूडीसी के लिए चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री। आपका ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री में हो चलेगा। बाकी साथ में साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस। ठीक है, और इसमें साफ साफ बताया गया है कि वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो रिक्रूटमेंट से पहले ग्रेजुएट कम्प्लीट हो चुके हैं, जिनके पास मतलब ग्रेजुएशन कम्प्लीट है। फालतू के लोग अप्लाई ना करें। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें कि इसके लिए एज कितनी चाहिए और इसकी लास्ट डेट क्या है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दूं कि आप 15 अप्रैल 2019 तक इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। ईएसआईसी की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके, ठीक है, एचपी के रीजन की आपको मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो अगर एज की बात करें 18 से 27 वर्ष है, बाकी आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन में जितना एज रिलैक्सेशन होता है वो दिया गया है, इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका 15 अप्रैल से पहले पहले आपको एप्लीकेशन करना है। तो दोस्तों यदि हम बात करें कि इस फॉर्म की फ़ीस कितनी है, तो दोस्तों एससी एसटी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, जो महिला कैंडिडेट होगी, और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 250 रुपये हैं। जो अदर कैटेगरी है जैसे जनरल कैटेगरी के जो होते हैं, उनके लिए 500 रुपये हैं। ठीक है, तो ये जो फीस है आप ये ऑनलाइन पे कर सकते हैं, जैसा कि नॉर्मली आप फीस पे करते हैं ऑनलाइन फॉर्म में। ठीक है, तो दोस्तों यदि हम बात करें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्तर में जाएगा, 3 फेज में जाएगा, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और कंप्यूटर स्किल टेस्ट। तो दोस्तों अगर हम प्रीलिमिनरी की बात करें सबसे पहले, तो प्रीलिमिनरी होगा आपका 1 घंटे का, 200 नंबर का। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि प्रश्न कितने आएंगे, 200 प्रश्न बहुत हो जाएंगे 1 घंटे के लिए। तो दोस्तों आपको बता दूँ मैं कि अगर जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, रीजनिंग की, तो इसके 25 प्रश्न आएंगे 50 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के आएंगे 25 प्रश्न 50 नंबर के, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आएंगे 25 प्रश्न 50 नंबर के, और इसी तरह से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे 25 प्रश्न 50 नंबर के। नॉर्मली दोस्तों अगर सिलेबस की बात की जाए कि किस तरह के होंगे ये सभी चीज़ें, जो आप बैंक क्लरिकल IBPS क्लरिकल का जो सिलेबस होता है, सेम उसी तरह का ही इसमें पैटर्न रहने वाला है जो क्लरिकल के बैंक के एग्ज़ाम देते हैं आप। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं मेंस की बात कर, साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, जो प्री में आप नंबर प्राप्त करेंगे वो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं होंगे, बल्कि आपको मेंस देने के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। मेंस के लिए एक सीट के पीछे 10 बंदों को सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब जैसे 32 सीटें हैं तो 320 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 10 टाइम्स स्टूडेंट्स कॉलिंग फॉर मेंस। ठीक है, तो दोस्तों मेंस एग्ज़ाम है तो ये है, ये भी 200 नंबर का है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नों की संख्या भी 200 है और जो समय है वो भी ज़्यादा है, 2 घंटे का समय है। 50 प्रश्न यहाँ पे भी रीजनिंग के रहेंगे 50 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के रहेंगे 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन, और क्वांटिटी अपटूट के रहेंगे दोस्तों 50 प्रश्न 50 नंबर के, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी रहेंगे 50 प्रश्न 50 नंबर के। तो दोस्तों ये हो जाते हैं 200 नंबर 2 घंटे में। तो इसमें भी वही दोस्तों, इसमें भी एक चीज़ आपको और बता दूं कि इस एग्ज़ाम में माइनस नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 जो होती है नॉर्मली बैंक के एग्ज़ाम में। अगर दोस्तों बात करूं कि इस यहाँ से कितने स्टूडेंट को मेंस के लिए, उसके लिए स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए दोस्तों कुल मिला के यहाँ से 5 टाइम स्टूडेंट को बुलाया जाएगा जितनी पोस्ट हैं उसका। ठीक है दोस्तों, और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों वो होगा आपका मेन्स एग्ज़ाम के जो नंबर होंगे प्लस जो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट में नंबर रखे हैं। जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर स्किल टेस्ट में क्या होगा, तो दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ 2 PowerPoint साइट्स 10 नंबर का ये होगा, 50 नंबर का कुल ये स्किल टेस्ट होगा, जिसमें कि 30 मिनट रहेंगे कुल मिला के, और टाइपिंग मैटर ऑन MS Word विद फॉर्मेटिंग, और प्रिपरेशन टेबल MS Excel विद यूज़, अलग अलग नंबरों के हिसाब से देख सकते हैं आप, इस हिसाब से आपका
फाइनल सिलेक्शन इसके हिसाब से होगा, जो आपका 250 नंबर होगा उस हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि आप जुड़े थे पीएसडी से पहली बार तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, इस वीडियो को सभी एस्पायरेंट तक पहुंचा दीजिएगा ताकि सभी लोग अप्लाई कर सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए पीएसडी के साथ।